इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के साथ दीपावली मना सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अलर्ट जवानों को और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने की जगह को अंत समय में बदला भी जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की जब भी जवानों संग दीपावली मनाने जाते हैं तो उनकी यात्रा को सुरक्षा कारणों से गुप्त भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दीपावली मना रहे हों। इससे पहले साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर वो पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजौरी जिले में तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए देश की कुछ सीमाओं को चुनते हैं। इस दौरान जवानों से मिलकर पीएम मोदी उनके साथ वक्त बिताते हैं और मिठाइयां भी खिलाते हैं। पीएम मोदी इससे पहले उत्तराखंड में भी जवानों के बीच दीपावली मना चुके हैं। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। दिवाली का त्यौहार आज पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार संग पूजा भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यहां दिल्ली सरकार के कई मंत्री अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी से शाम 7 बजे से पूजा में शामिल रहने का आह्वान किया है। दरअसल दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति होगी। अधिकारियों के मुताबिक मंदिर की प्रतिकृति सरकार के दिल्ली की दिवाली उत्सव के तहत बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर की प्राकृतिक मंच का हिस्सा होगी, जहां पर मुख्यमंत्री पूजा करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली पूजा का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा की थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी से शाम 7 बजे से पूजा में शामिल होने का आह्वान भी किया था। गौरतलब है कि दिवाली के मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से पटाखे न जलाने और परिवार के साथ मिलकर त्यौहार मनाने की अपील की है। पार्टी के प्रवक्ता आतिशी मालेना ने कहा है कि दिल्लीवासी भले ही पटाखे ना जलाएं, लेकिन सभी एक साथ मिलकर त्यौहार जरूर मनाएं। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वह इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वैट में कटौती की घोषणा की। यूपी सरकार ने वैट में पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए की कटौती की है। यूपी के अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए की वैट में कटौती की है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल दोनों ही 12-12 रुपए सस्ता हो जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनहित में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के निर्णय ने दीपावली को अतिरिक्त उल्लास से भर दिया है। ये निर्णय समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। वहीं दीपावली की पूर्व संध्या पर की गई इस घोषणा से फ्यूल की आसमान छूती कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को भी कुछ राहत मिल सकती है। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आज से प्रभाव में आ सकती है। कोरोना महामारी की लहर बेशक कमजोर हो गई हो, लेकिन ये जानलेवा बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं दिवाली और अन्य त्योहारों के उत्साह में दिल्लीवासी जानलेवा कोरोना महामारी को भूलकर बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी का कोई भी मार्केट हो, परपरगंज सदर से लेकर लाजपत नगर या करोल बाग या फिर नई सड़क या कोई दूसरा बाजार, हर जगह लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बाजारों में पैर रखने तक की जगह भी नहीं है।
ऐसे में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। बाजारों में उमड़ी भीड़ वाकई डराने वाली है, लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं है। लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा कर सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार बार बार राजधानी वासियों से दिवाली की खरीदारी करते समय कोरोना नियमों को पालन करने की अपील कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने लोगों को ये भी याद दिलाया कि पिछले साल भी यही लापरवाही दिल्ली वासियों की जिंदगी पर भारी पड़ी थी, इसलिए इस बार ढिलाई बिल्कुल ना बरते, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का त्यौहार मनाने अपने गांव सिफई पहुंचे। दिवाली पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल को बड़ा तोहफा दिया है। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी शिवपाल के दल और सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी। अखिलेश ने कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और ज्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अखिलेश ने कहा कि कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, साथ ही में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मऊ में किया और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो दिवाली मनाने के लिए अपने पैतृक गांव सिफई पहुंचे अखिलेश यादव और इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सभी छोटे बड़े दलों को अपनी पार्टी से गठबंधन के तौर पर जोड़ेंगे और शिवपाल यादव से भी उनकी पार्टी से भी गठबंधन होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और बाकी जो सम्मान है वो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं वो करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। चाचा विलय की भी बात कर रहे हैं। विलय का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो कहीं गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है, हमारा गठबंधन होगा, कोशिश करेंगे कि उन्हें भी साथ लिया जाए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा से मुलाकात को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सफाई दी है। राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार खुद कहती है कि मुकदमा दर्ज होना और अदालत से सजा होने का ऐलान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कोर्ट जब तक सजा का ऐलान ना कर दे तब तक किसी को अपराधी नहीं मान सकते। सरकार ने लखीमपुर की घटना, बलिया में हत्या, हाथरस रेप पर भी ऐसा ही बयान दिया। मैं बीजेपी की सरकार में मंत्री था तब भी मैं कई बार मुख्तार अंसारी से मुलाकात कर चुका हूं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है जेल में जाकर, और फिर उसके बाद राजनीति का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आया और लगातार बयानबाजी हो रही थी। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर ने इस पर सफाई दी और कहा कि अपराधियों को संरक्षण बीजेपी देती है, ना कि वो देते हैं, और जब तक किसी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं होता। जो बीजेपी की नीति है उसी के तहत वो बात कर रहे हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं इस आरोप प्रत्यारोप के संबंध में हमारे संवाददाता ने बात की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आज हमारे साथ खास मेहमान है वो शख्सियत जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, जो सरल सद्भाव से और इनकी अपनी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन से जाने जाते हैं। दिवाली का शुभ दिन है आज और इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये कितनी ज़्यादा बधाई देंगे आज दिवाली में, और उत्तर प्रदेश जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी विधायकों के खुद प्रतिनिधित्व करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता में उल्लास है
और इसलिए और भी उल्लास है कि अयोध्या की दीपावली सबका इंतजार कर रही है और सब एक टकटकी लगाकर अयोध्या में होने वाले दीप पर्व की भी इच्छा और अभिलाषा से भरे पूरे हैं। दीप पर्व भारत का बड़ा प्रतिष्ठित पर्व है, ज्योति पर्व है, और हमारे यहाँ प्रकाश को ज्ञान कहा गया है, अंधकार को अज्ञान कहा गया है। इसीलिए अथर्वेद के ऋषि ने तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय ऐसा मंत्र गाया था। उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता के लिए मेरे मन में आदर और सद्भाव के साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ सबको कि प्रत्येक परिवार सुखी हो, प्रत्येक परिवार को रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिले, प्रत्येक परिवार ज्ञान की प्रकाश के आलोक में प्रतिष्ठित हो और देश के सांस्कृतिक राष्ट्रभाव को मजबूत करें। हमारी उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता को हार्दिक शुभकामनाएं कि सब लोग जगमग हों। सर, विधानसभा एक बहुत बड़ा पद है और इस पद पे आपको समय नहीं मिलता होगा। आज चूंकि दिवाली का दो दिन बाद दिवाली है, मतलब आज कितना अच्छा गुड फील कर रहे होंगे और दो दिन के समय के बाद फिर आप विधानसभा की उसी तैयारी पर लगेंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा कार्यकाल रहा आपका, कैसा अनुभव? विधानसभा का कार्यकाल और उसकी सफलता अथवा असफलता यह एक टीम का काम है। अध्यक्ष अकेले कुछ नहीं कर सकता, विपक्ष अकेले कुछ नहीं कर सकता विधानसभा के भीतर, तो सत्ता पक्ष विपक्ष और जो इसके अलावा कई निर्दलीय सदस्य हैं, अन्य दल हैं छोटे छोटे, ऐसे सारे दलों ने हमको विधानसभा के संचालन में पूरे 4.5 वर्ष बहुत प्रेम पूर्वक अपना सहयोग दिया है। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री हृदयनारायण दीक्षित जी, जो अपने सरल स्वभाव से जाने जाते हैं, क्योंकि विधायक और विपक्ष दोनों को जजमेंट और दोनों के साथ सुनना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसे में इनके पास समय मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया, ये उससे भी बड़ी बात है। लखनऊ से विवेक के साथ दानिश वारसी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने महंगाई को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा कि सभी राज्य सरकारें भी लोगों के रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं खासकर खाद्यान्न आदि की कीमतों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है, जिसका दुष्प्रभाव आमजन जीवन के साथ साथ दीपावली जैसे खास पर्वों पर भी पड़ रहा है और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो महंगाई को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसका असर आम जनता पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, खासकर कि त्योहारों के मौके पर। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेसी नेता फकीर सिंह कन्यार के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। बैठक में 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने और इस मौके पर क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने की भी पुरजोर अपील की गई। तो कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, भारी जनसभा में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे हैं, आगे की पूरी रणनीति इसमें तैयार की गई है। हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग इसको अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जन्म हुआ एक नए प्रदेश का। जो प्रदेश बना है या ऐसे किसी ने दहेज में दान में नहीं दिया है। हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे युवाओं को लाठी खानी पड़ी, मातृशक्ति को डंडे खाने पड़े, हमारे युवाओं को जेल जाना पड़ा। जो हमने संघर्ष किया उसका एक रिजल्ट निकला कि सन 2009 नवंबर को नए उत्तराखंड की स्थापना हुई। कालाडूंगी में प्रकाश पर दीपावली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक ने अलग अंदाज में मनाई। बीजेपी नेता मनोज पाठक ने कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ दीपावली मनाकर खुशियां साझा की है। बीजेपी नेता मनोज पाठक के इस रूप को अपने बीच पाकर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यहाँ दीपावली पर्व और धनतेरस की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक अपने परिवार के साथ विधानसभा क्षेत्र बीछा बंगर मदल बैल
धनपुर लक्ष्मणपुर की झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उपहार और मिठाइयां बांटी है। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाठक को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। तो बीजेपी नेता ने अलग अंदाज में यहां पर दीपावली मनाई है। ग्रामीणों के साथ दीपावली मनाते हुए नजर आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे और यहां जाकर गरीबों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई, साथ ही साथ उन्होंने मिठाई भी खिलाई है। दीप पर्व के उपलक्ष्य पर दर्पण एक दीप मिलन कार्यक्रम इसको नाम दिया है हमने, और मदनबेल, लक्ष्मणपुर, बीचा बंगर और विजयपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित बस्तियों के लोग, मैं और मेरा परिवार, हम सब मिल करके इस बार हमने ये दीप मिलन कार्यक्रम मनाया और एक दूसरे को परस्पर शुभकामनाएं देते हुए दीप पर्व के लिए उज्जवल भविष्य के लोगों की कामना की। मैं समझता हूँ एकता और समन्वय का भाव उत्तरोत्तर वृद्धि बढ़ती रहे। इसमें देश में हर ओर दीपावली की धूम दिखाई दे रही है। वहीं इसी बीच यूपी के गाजियाबाद में भी दिवाली को लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए हैं। वहीं यहां बाजारों में भी दिवाली के चलते दुकानों को काफी भीड़ लगने लगी है। गाजियाबाद के बाजारों का हाल लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र ने, आइए देखते हैं। आज छोटी दिवाली का त्यौहार है, ऐसे में बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 10 की मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से बाजारों को सजा दिया गया है। बिल्कुल शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिवाली में यूज़ होने वाली हैं उनको पूरी तरह से सजा दिया गया है और लोग भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में सबसे अच्छी बात ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो है लोग जो भी आ रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे किस तरह से खरीददार यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें गाज़ियाबाद की हैं। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इस बार दिवाली का सीज़न जा रहा है। जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम राजू है। राजू जी किस तरह का दिवाली का सीज़न जा रहा है? दिवाली आज छोटी दिवाली है, किस तरह की खरीदारी हो रही है, लोग किस तरह से आ रहे हैं? बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं लोग, मार्केट में आ रहे हैं, खुशियाँ से आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर अच्छी तरह से मना नहीं पाए थे, तो कोशिश है लोगों की अच्छी तरह मनाएं कि पिछली बार की कसर इस बार पूरी हो जाएगी। इस बार पूरी कसर हो जाएगी, दिवाली अच्छी से लोग मनाएंगे और हिंदुओं का हमारा बड़ा त्यौहार है तो उम्मीद करते हैं अच्छा बनेगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है खरीदार भी लगातार आ रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ इस बार मार्केट में क्या क्या नया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो दीवले हैं, दिए हैं, वो भी मार्केटों में सज चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप मूर्तियों की बात करेंगे तो भगवान लक्ष्मी और गणेश की एक से एक आकर्षक मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा अगर घरों को सजाने की बात की जाए तो हर एक अच्छी से अच्छी झालर आपको इस तरफ मिल जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लोग पिछली बार दिवाली नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल थे और उसके साथ साथ लॉकडाउन के चलते जिन लोगों की जॉब छूटी हुई थी तो उसके चलते भी बहुत से ऐसे लोग थे जो दिवाली पूरी तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना भी कम है और लोगों के पास अब धीरे धीरे उनका रोज़गार भी मुहैया होता जा रहा है जिसके चलते अब बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।